शहडोल विवेकानंद कॉम्प्लेक्स पुराना बस स्टैंड के पास छोटी सी चाय की दुकान चलाने वाली गिरजा पटवा को नगरपालिका सीएमओ के द्वारा परेशान किया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 30 वर्षों से पुराने बस स्टैंड के पास चाय की छोटी सी फुटपाथ पर दुकान चलाने वाली गिरजा का कहना है कि चाय की दुकान से ही मेरा, मेरे बच्चे और मेरे अपाहिज पति का गुजारा होता है। नगरपालिका के द्वारा मेरी दुकान हटा दी गई तो मेरा और मेरे बच्चे, मेरे अपाहिज पति का क्या होगा। गिरजा पटवा ने यह भी बताया कि आज दिनांक 2 नवंबर 2022 मैंने शहडोल कलेक्टर श्रीमती वंदना वैद्य से शिकायत की और सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत की है। गिरजा ने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री योजना के द्वारा जो फुटपाथ व्यवसायियों को 20,000 की राशि मदद के तौर पर दी गई थी, वो पूंजी भी मैंने दुकान पर लगा दी। अब अगर दुकान हटा दी गई तो जो मैंने बैंक से ऋण लिया है वो कैसे अदा करूं? क्या हो गया? अरे आए दिन परेशान करते नगर पालिका, सीएमओ खुदा के बोलता है और बोले भी कि भाई कलेक्टर के पास जाकर मिल के आते हैं। क्या करती हैं आप? कौन? आप क्या करती हैं? चाय की दुकान और जमीन में लगाती। कब से कर रही हैं? अब मैं 20 साल से लगा रही हूँ, 20 से ऊपर लगा रही। और भी यहाँ जो फुटपाथ पे दुकान लगती है और भी सीएमओ द्वारा उनको बोला जाता हटाने के लिए? नहीं बोलते। आस पास जो लगी है दुकान नहीं बोलते, सब लगाए हैं।